तो फ्रेंड अगर आप अपने यूट्यूब चैनल पे शॉर्ट वीडियो को अपलोड करते हो और उस पे अच्छा खासा आपका ऐसा वॉच टाइम मिलता है, लेकिन फिर भी आपका ऐसा शॉर्ट वीडियो का वॉच टाइम ऐसे मोनेटाइजेशन सेक्शन में जाकर ऐड नहीं होता है। जैसे कि आपको पता ही है कि शॉर्ट वीडियो से आपका ऐसे मिलियंस में व्यूज आ जाएगा, उससे हजारों आपका वॉच टाइम मिल जाएगा, फिर भी उस शॉर्ट वीडियो का वॉच टाइम मोनेटाइजेशन सेक्शन में जाकर ऐड नहीं होता है। लेकिन आज के वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि आप अपने यूट्यूब चैनल पे जो शॉर्ट वीडियो अपलोड करते हो उसी शॉर्ट वीडियो से आप वॉच टाइम अपना ऐसे बढ़ा सकते हो और ऐड करवा सकते हो अपना मोनेटाइजेशन सेक्शन में। या फ्रेंड जो लोग ऐसे शॉर्ट वीडियो अपलोड करते हैं और उनका वॉच टाइम नहीं बढ़ रहा है, उनके वीडियो पर लाखों व्यूज आ रहा है फिर भी उनका वॉच टाइम नहीं बढ़ रहा है, तो आज के वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा शॉर्ट वीडियो से ही आप वॉच टाइम को ऐसे बढ़ा सकते हो, मोनेटाइजेशन सेक्शन में जाकर ऐसे वॉच टाइम को ऐसे बढ़ा सकते हो, ऐड करवा सकते हो। कैसे ऐड करवाना है चलिए आपको बताते हैं। सिर्फ आपको एक सेटिंग आपको ऐसे करना है। तो उससे पहले मैं वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिएगा, और कोई भी प्रॉब्लम हो कमेंट कर देना, और लाइक सब्सक्राइब करने से कुछ भी नहीं जाता है तो कर लीजिएगा। तो चलिए कैसे करना है, कौन सा सेटिंग है वो आपको ऐसे बताते हैं। तो फ्रेंड अब आप लोगों को क्या करना है कि आप अपना ऐसे अपना मोबाइल का ऐसे YT स्टूडियो एप्लीकेशन को ओपन कर लेना। तो चलिए मैं अपना मोबाइल का ऐसे YT स्टूडियो एप्लीकेशन को ऐसे ओपन कर लिया हूं। अब जैसे आप लोग अपना YT स्टूडियो एप्लीकेशन ओपन कर लोगे फ्रेंड, अब आप लोगों को यहाँ पे आप लोगों को व्यूज का ऑप्शन आपको ऐसे दे रहा होगा। तो अब हम लोगों को क्या करना है, इस व्यूज को ऑप्शन पे क्लिक करना है। अब जैसे व्यूज को ऑप्शन पे क्लिक करोगे फ्रेंड, अब आप लोगों को क्या करना है, नीचे में आपको आना है और यहाँ पे एक ऑप्शन आपको मिल रहा होगा, रियल टाइम का एक ऑप्शन आपको ऐसा दिख रहा होगा। हम लोगों को क्या करना है, इसके ऊपर ऐसे क्लिक करना है। अब हम लोगों को यहाँ पे ये देखना है कि हमारा जो 48 घंटे में किस वीडियो पे सबसे ज्यादा व्यूज आ रहा है और 60 मिनट के अंदर से किस वीडियो पे सबसे ज्यादा व्यूज आ रहा है। जैसे कि यहाँ पे 48 घंटे के अंदर हमारा इस वीडियो पे अभी ऐसे 97K व्यूज आ रहा है, यानी कि 97,98,000 इस तरह का ऐसे व्यूज आ रहा है। अब इस वीडियो के अंदर हम लोगों को ऐसे चले जाना है, क्योंकि इसी वीडियो का हम लोगों को वॉच टाइम को ऐसे ऐड करवाना है। तो इस वीडियो के अंदर हम लोगों को जाने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या करना है, इसको कट करना, कंटेंट का ऑप्शन पे क्लिक करते हैं और यहाँ पे क्या करते हैं, शॉर्ट वीडियो जो ऑप्शन आया शॉर्ट वीडियो का ऑप्शन पे क्लिक करते हैं शॉर्ट पे। उसके बाद यहाँ पे शॉर्ट बाय पे क्लिक करते हैं एक बार और मोस्ट व्यूअर्स का ऑप्शन पे क्लिक करते हैं। अब देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले यहाँ पे जो वीडियो था ये हम लोग यहाँ पे इसके वीडियो के अंदर से आ गए। अब आप लोगों को क्या करना है, इस वीडियो को ऊपर ऐसे क्लिक करना है। अब इस वीडियो को हम लोगों को वॉच टाइम ऐसे ऐड करवाना है, क्योंकि ये आपको जैसे कि पता है कि इस वीडियो का ऐसे शॉर्ट वीडियो है, ठीक है, और इसी शॉर्ट वीडियो से हम लोगों को वॉच टाइम को ऐसे ऐड करवाना है। तो सबसे पहले ऐड करवाने के लिए यहाँ पे आप लोगों को एक पेंसिल का ऑप्शन मिल रहा होगा, पेंसिल का ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। जैसे पेंसिल के ऑप्शन पे आप क्लिक करोगे फ्रेंड, अब आप लोगों को देख सकते हो यहाँ पे कुछ इस तरह से आपका आ जाएगा। अब देखिए फ्रेंड, यहाँ पे एक ऑप्शन आपको मिल रहा होगा, नीचे में एक रिलेटेड वीडियो का ऑप्शन आ रहा होगा। अब हम लोग यहीं से वॉच टाइम ऐसे बढ़ेगा हमारा। सिंपल से क्या करना है, रिलेटेड वीडियो के ऑप्शन पे क्लिक करना है। अब देख सकते हो फ्रेंड, कुछ इस तरह से आपका ऐसे वीडियो यहाँ पे आ जाएगा। तो फ्रेंड अब आपको ऐसे क्या करना है कि अब आपको अपने YouTube चैनल का ऐसे लॉन्ग वीडियो को यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। जैसे कि मान लेते हैं कि यहाँ पे मैंने एक लॉन्ग वीडियो अपने YouTube चैनल पे अपलोड है यहाँ पे, तो उस वीडियो को हम लोग ऐसे ले लेते हैं। और वैसे वीडियो को आपको लेना है जो वीडियो ऐसे देखने में बिल्कुल ऐसे तगड़ा हो, ठीक है। तो यहाँ पे मान लेते हैं यहाँ पे एक वीडियो ऐसे काफी ज्यादा अच्छा देखने में लग रहा था, मुझे भी ये वीडियो इस चैनल पे ऐसे वीडियो पसंद आया था, तो यहाँ पे आप लोग ऐसे देख सकते हो ये वीडियो ऐसे बिल्कुल ऐसे तगड़ा लग रहा था, लोग इसको ऐसे फुल वॉच करेंगे, तो वैसे वीडियो को यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना। जैसे यहाँ पे लॉन्ग वीडियो है, 11 मिनट का वीडियो है, तो मैं इसको ऐसे यहाँ पे सिलेक्ट कर लेता हूँ। अब देखो फ्रेंड, यहाँ पे रिलेटेड वीडियो में यहाँ पे कुछ इस तरह से यहाँ पे ऐसे लग गया, आप लोग ऐसे देख सकते हो। अब आप लोग क्या करना है, ऊपर में सेव का ऑप्शन आ रहा होगा, हम लोगों को सेव कर देना है सिंपल से। अब आप लोगों को यहाँ पे सेव करने से अब इसका क्या फायदा वो आपको ऐसे बताते हैं। सबसे पहले मैं आपको इसका प्रॉफिट दिखाता हूँ, यहाँ पे सबसे पहले इस पे क्लिक करता हूँ और क्लिक करने के बाद अब आपको ऐसे कुछ इस तरह से ये आपका शॉर्ट वीडियो ऐसे यहाँ पे ओपन हो जाएगा, ठीक है, मैं आपको दिखाता हूँ। अब देखिए फ्रेंड, कोई भी बंदा के पास ये शॉर्ट फीड में ऐसे कुछ इस तरह से आपका ऐसे जाएगा, तो कोई भी इसके ऊपर ऐसे क्लिक करेगा, जैसे इसके ऊपर आप क्लिक करेगा कोई भी, तो यहाँ उसका ऐसे लॉन्ग वीडियो यहाँ पे ऐसे चलना स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ पे देख सकते हो लॉन्ग वीडियो यहाँ पे ऐसे चलना स्टार्ट हो जाएगा।
तो इसी तरह से अगर आप अपने शॉर्ट वीडियो के अंदर ऐसे लॉन्ग वीडियो को ऐड करना चाहते हो, तो इस तरह का शॉर्ट वीडियो के अंदर ऐसे लॉन्ग वीडियो को ऐड करके आप उससे वॉच टाइम को ऐसे बढ़ा सकते हो। बाकी यहाँ पे आपको शॉर्ट वीडियो से जो आपको पता है कि वॉच टाइम वहाँ पे ऐसे नहीं मिलता है कितना भी व्यूज आ जाए, तो ये ट्रिक से आप ऐसे अपना वॉच टाइम को ऐसे बढ़ा सकते हो, क्योंकि मिलियंस मिलियंस में जिसका व्यूज आ रहा है उससे अगर आप ऐसे अपलोड इस तरह का लगा दोगे तो 50 से 60 हज़ार तो व्यूज आएगा ही आएगा। तो इस तरह का आप ऐसे यूज कर सकते हो। तो आई होप वीडियो पसंद आया, तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा।